नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भारत भूषण है और आप देख रहे हो जेसीबी कंप्यूटर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आपके प्रिंटर का कोई कलर नहीं आता तो आप क्या करते हो, F1 को शॉर्ट कर देते हो। उसके बाद जो आपके प्रिंटर की पावर चली जाती है और आपका प्रिंटर ऑन नहीं होता, तो इस स्थिति में आपने क्या करना है। सबसे पहले तो आपने जो ये कैपेसिटर है ये चेक कर लेना है। ये चेक करने से पहले F1 को शॉर्ट से हटा देना आपने। ये कैपेसिटर चेक करने के बाद आपने जो ये रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, ये रेजिस्टेंस चेक कर लेने हैं, ये बहुत जरूरी है चेक। उसके बाद आपने क्या करना, आपकी केबल चेक करनी है। आपने देखना है कि इधर बोर्ड से भी और हेड की साइड से भी केबल अच्छी तरह से लगी हुई है या नहीं लगी हुई है। अगर वो आड़ी टेढ़ी लगी होगी तो वो शॉर्ट हो जाती है, जिसके कारण आपकी जो पावर की प्रॉब्लम है बनी रहती है। दोस्तों, के बाद आपने क्या चेक करना है, आपने चेक करना है कि अगर आपकी जो केबल है हेड की तरफ से कहीं से जली हुई दिखाई देती है या सॉकेट की तरफ से जली हुई दिखाई देती है, तो आपने वो केबल चेंज कर देनी है। और उसके बाद जो हेड है वो हेड को भी चेंज कर देना है। इसके बाद आपने आपका जो हेड है, एक बार आपने क्या करना है, दूसरा हेड डाल के देख लेना है और प्रिंटर को ऑन करके देखना। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है आपका हेड भी शॉर्ट हो सकता है, जिसके कारण ये पावर की प्रॉब्लम बनी रहती है। दोस्तों, तो आपने क्या करना, हेड को चेंज करके देख लेना है। अगर फिर भी पावर की प्रॉब्लम बनी रहती है तो आपने ये वाली आईसी है, जो ये वाली आईसी है, ये एक बार चेंज करके देख लेनी है। ये आईसी आमतौर पर दिल्ली में मिल जाएगी आपको, नेहरू प्लेस से आराम से मिल जाती है। ये आईसी को आपने ले लेना है, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ये 46 रुपीज की आईसी आपको मिल जाती है मार्केट से, और आप इसको आराम से लगा लेते हो। बिल्कुल, आपने ये आईसी लगाने से पहले ये वाला कट आपने देख लेना है, जिधर ये वाला कट है ये वहीं पर आपने लगाना है। अगर ये कट आप इस साइड कर दोगे तो आपकी जो आईसी है लगाते ही डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना कि ये जो कट है ये इस साइड ही होना चाहिए। उसके बाद आपने जो ये डायोड होते हैं, ये वाले डायोड हैं, ये भी चेक कर लेने हैं। अगर ये जो शॉर्ट होंगे तो भी आपकी प्रॉब्लम बनी रहेगी। दोस्तों, इनको चेक करने का आसान सा तरीका बताता हूं मैं। इनको चेक करने के लिए आपने क्या करना है, इनको बोर्ड से निकाल लेना है, एक एक करके निकालना है। इनके निकालने के बाद अगर आपका जो बोर्ड है ऑन हो जाता, प्रिंटर ऑन हो जाता है, जो डायोड निकालने के बाद प्रिंटर ऑन हुआ है तो वो शॉर्ट होता है। आप इनको निकालने के बाद मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हैं। ध्यान रहे, बोर्ड के अंदर इनको चेक ना करें, क्योंकि अगर कोई भी डायोड शॉर्ट होगा तो ये सभी के सभी शॉर्ट दिखाएंगे। इसलिए आपने ये निकालने के बाद इनको चेक करना है। जो ये पावर की प्रॉब्लम होती है दोस्तों, यही होती है और कुछ नहीं होती। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक्स।